नमस्कार, मैं हूं लवली सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ में घर में आग लगने की वजह से एक युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। शोर शराबा सुनकर क्षेत्रीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जाँच करना शुरू कर दी। थाना कुआरसी क्षेत्र के जीवनगढ़ गली नंबर 8 में गौसुल आजम 32 वर्षीय रहता था। गौसुल की पत्नी का पड़ोस में रहने वाले सोनू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते गौसुल की पत्नी घर छोड़कर सोनू के साथ रहने लगी, जिसके चलते गौसुल मानसिक तनाव में रहने लगा। मृतक के भाई शाविर ने बताया कि गौसुल की हत्या कर सबको जलाया गया है। हत्या का आरोप प्रेमी सोनू पर लगाया गया है। उन्होंने बताया है कि सोनू व 4 अज्ञात लोगों ने मृतक के घर में धावा भी बोला था। गौसुल की हत्या कर घर में आग लगा दी गई, जिससे गौसुल का शव बुरी तरह से जल गया व घर में रखा सारा सामान भी राख हो गया है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम करा कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और पुलिस घटना की जांच में शुरू कर दी है। बाबू का कहाँ रहते हो? मैं जौनपुर रहता हूँ। थाना जो है मेरा आपको पड़ता है आपका सिविल लाइन ही पड़ता है। हाँ, सिविल लाइन पड़ता है। हाँ, क्या घटना घटी थी आपके पास? आपके भाई का क्या नाम है? गौसुल आजम। अच्छा, क्या घटना क्या हुई है उसके साथ? उसके साथ ये 8 नंबर गली में रह रहा था। उसके बाद इसकी बीवी ने दूसरा आदमी कर लिया और ये अटैक का वो था, शिकायत बन गई थी। दूसरी बीवी ने निकाह कर लिया और उसके चार लोग थे जो कल धमकी भी देके गए थे। कौन कौन थे? उसी के साथ ही। पत्नी क्या नाम है? रेशमा। रेशमा ने निकाह किसके साथ किया है? किसी दूसरे के साथ किया है, उसी गली में 8 नंबर गली में क्वारसी जीवनगढ़। जी, तो पहले इसको मार दिया गया फिर जलाया है लड़के। आपने थाने में तहरीर दे दी? हाँ। कोई पकड़ा गया अभी? कोई नहीं। बॉडी कहाँ भेजी है? भेजा। तो घटना का कब की है ये? कल की है। कल कितने समय की, रात की, दिन की? ये जो हमको पता चला है 5 बजे सुबह। सुबह 5 बजे? उसी के साथ जो है वो अपने कमरे में था। क्या नाम है लड़के का मृतक जो आपका? गौसुल आजम। पत्नी का उसका क्या नाम है? रेशमा। उसने निकाह कर लिया था 4 महीने पहले किसी दूसरे के साथ। कहाँ का आया हुआ जिसके साथ निकाह किया? वो भी 8 नंबर गली का ही, कुआरसी जीवनगढ़ गली नंबर 8। हाँ।